भाई रिसेंटली बाबा वेंगा ने प्रेडिक्शन की है भारत के बारे में और कहा है कि एक बड़ी मुसीबत आएगी साल 2022 में। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला है क्या। दुनिया के मशहूर भविष्यकर्ताओं में शामिल बुल्गेरिया के भविष्यकर्ता बाबा वेंगा शामिल हैं। इनमें सबसे पहले बाबा वेंगा का नाम आता है। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए डराने वाली भविष्यवाणियाँ की थी। भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है। बाबा वेंगा ने सन 5069 तक की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा की साल 2022 की गई दो भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई हैं। बुल्गेरिया की दृष्टिहीन बाबा वेंगा दुनिया की उन भविष्यकर्ताओं में से एक हैं जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। अब बाबा वेंगा की भारत को लेकर की गई भविष्यवाणी लोगों को डरा रही। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में दुनिया में तापमान गिरेगा, इसकी वजह से टिड्डियों के प्रकोप में वृद्धि होगी। भोजन की तलाश में टिड्डियां भारत पर हमला करेंगी। इस हमले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और देश में भुखमरी पैदा होने की संभावना है। अब देखना है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं। हालांकि इससे पहले बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में डर समा गया है। भविष्यकर्ता बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साइबेरिया में एक घातक वायरस निकलेगा। उनका कहना था कि अभी तक वायरस जमा हुआ है। भविष्यवाणी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलेंगे और यह वायरस फैल जाएगा। उन्होंने बताया था कि इस वायरस के फैलने के बाद दुनिया में हालात बेकाबू हो जाएंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में दुनिया में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप और सुनामी आने की संभावना है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। सुनामी से सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए कई डराने वाली भविष्यवाणी की थी। इनमें कुछ देशों में पानी की कमी से परेशानी होने की बात शामिल थी। पुर्तगाल और इटली जैसे देशों ने कम पानी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। 1950 के दशक के बाद से देश में सबसे कम बारिश हो रही है। इटली भी 1950 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा सूखे का सामना कर रहा है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में बाढ़ आएगी। इसके अलावा भूकंप आएगा और सुनामी आएगी। भारी बारिश और बाढ़ से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तबाही मची हुई है। बांग्लादेश, भारत के उत्तर पूर्वी इलाके और थाईलैंड में भी बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। अब इससे लगता है कि बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणियां भी बिल्कुल सच साबित हुई हैं। भविष्यकर्ता बाबा वेंगा एक फकीर थी और दृष्टिहीन थी। बुल्गेरिया की रहने वाली बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। 1911 में जन्मी बाबा वेंगा की सिर्फ 12 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि उनकी 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। अगस्त 1996 में बाबा वेंगा की स्तन कैंसर से मौत हो गई थी। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने सन 5069 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। तो देखिए क्या ये उनकी भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं।